एक ऐसा परिवार है जो दो राज्यों से एक ही तस्वीर पेश कर रहा है। मकसद सिर्फ एक ही कि कोई मजदूर भूखा न रहे। रोजाना कमाने खाने वाले मजदूर काम न मिलने पर पाके की नौबत आ जाती है। इस दर्द को महसूस कर ये परिवार बीते दो दशकों से रोजाना गरीबों को भोजन करवा रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर मध्य प्रदेश का बिजुरी शहर है। यहाँ का केड़िया परिवार समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। ये परिवार रोजाना दो राज्यों के गरीबों को दो वक्त का निवाला खिला रहा है। पिता स्वर्गीय राधेश्याम खेड़िया द्वारा 21 साल पहले शुरू की गई भोजशाला को बेटे बहू व जिस शहर में भी इस परिवार के सदस्य हैं बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वर्गीय राधेश्याम खेड़िया के बेटे बाल मुकुंद खेड़िया व बहू समता खेड़िया के मुताबिक उनके पिता ने अपनी माँ स्वर्गीय बनारसी देवी खेड़िया की स्मृति में 2001 से बिजुरी में गाँव को खाना खिलाने की शुरुआत की। उनके पिता कहते थे कि माँ की स्मृति में ये पुण्य कार्य करता है जिससे उन्हें आत्मिक सुख मिलता है और अब इस नेक कार्य को उनका पूरा परिवार आगे बढ़ा रहा है। 21 साल पहले करीब बिजली में हुआ था चालू, जो अभी चल रहा है, और कभी करीब एक साल से हम लोगों के परिवार से भैया के तरफ से भैया के बच्चे लोग बिलासपुर में भी कर रहे हैं, बिजली में भी कर रहे हैं, और अभी 3 दिन से हम लोग यहाँ पे चालू किए हैं। सबका भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो अभी सदैव चलता रहेगा, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के बच्चों की तरफ से सब हमारे परिवार का, सबका सदस्यों का चलता रहेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग भूखे रहते हैं, लोग खाते हैं? हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। हमको भी अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है। बुजुर्गों का हमारा ये था कि लोग पेट भर के खाएं जब तक हमारे पास हम सेवा कर सके, करना चाहिए, ये हमारे पिताजी बड़े भाई सिखा के गए हैं, वही हम कर रहे हैं। स्वर्गीय राधेश्याम खेड़िया ने मध्य प्रदेश के बिजुरी से निशुल्क भोजन की शुरुआत की। यहां 2001 से निशुल्क भोजन रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कराए जाते हैं। स्वर्गीय राधेश्याम खेड़िया के बड़े बेटे आनंद खेड़िया जो बिलासपुर के व्यवसायी हैं, वो यहां पिता से मिली प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए बिलासपुर में जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन पैकेट बंटवाते हैं। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व ऐसे इलाके जहां भी जरूरतमंद दिख जाते हैं वहां लंच पैकेट वितरित करने का काम आनंद खेड़िया बीते 1 साल से कर रहे हैं। खुशी होती है यहां आके, भोजन बांटने में बहुत अच्छा मिलता है, एक नई एनर्जी आती है, और बहुत अच्छी बात है जो राधेश्याम खेड़िया जी करवा रहे हैं, ये होना चाहिए। और लोगों भी, इससे जितने गरीब लोग हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जो कहीं इधर उधर नहीं खा पाते थे वो यहाँ के पेट भर अपना खाना खाते हैं 11 बजे से 3 बजे तक। कल से फिर वहाँ चालू हुआ बिलासपुर में, 5 फरवरी से चालू हुआ है निःशुल्क राधे साहब की सेवा संस्थान। और उनके घर से कौन कौन यहाँ पर रखे? घर से उनके बहू जी आते हैं हम देखने के लिए, देखते हैं। खेड़िया परिवार बीते 50 साल से बिजुरी में नेत्र शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। हर साल होने वाले इस नेत्र शिविर में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के लोग भी आते हैं। यहां उनके आंखों के चेकअप के अलावा आंखों के ऑपरेशन, नेत्र रोग की दवाइयों के अलावा आंखों के चश्मे भी निशुल्क प्रदान किए जाते हैं। हर साल जनवरी माह में ये नेत्र शिविर आयोजित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।